हाय गाइस, मैं हूं संजय। अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एयर टर्मिनल का टैग। तो इसमें हमने डिटेल कैसे शो करना है वही बताना है। और ये जो एयर टर्मिनल है इसका टैग बनाने से पहले मैं इसका डिटेल बना लेता हूं। जैसे मान लो ये जो एयर टर्मिनल है ये सप्लाई है, तो यहाँ पे जो फ्लो एरो होना चाहिए रूम के तरफ होना चाहिए, और यहाँ पे जो रिटर्न है इसका जो फ्लो डायरेक्शन होना चाहिए इप्सवी के तरफ होना चाहिए। तो अभी मैं ये जो एयर टर्मिनल है इसका मैं फ्लो एरो बनाता हूँ, और ये जो डिटेल आप दो ऑप्शन में बना सकते हैं। तो पहला होगा जेनेरिक एनोटेशन और दूसरा होगा डिटेल आइटम। अगर आप ये जो फ्लो एरो जेनेरिक एनोटेशन में बनाते हैं वो क्या होगा, स्केल के हिसाब से बड़ा छोटा होगा, तो उस टाइम क्या होगा आपका जो एरो सिंबल आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा डिटेल आइटम। तो मुझे फ्लो का जो सिंबल है डिटेल आइटम से ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए जाना पड़ेगा फाइल्स, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डिटेल आइटम का टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ डिटेल आइटम का टेम्पलेट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे मेट्रिक डिटेल आइटम है, ए वाला टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन ओपन, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ फ्लो एरो का सिंबल। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे जो क्रिएट के अंदर लाइन है इसको क्लिक करना है, और मैं यहाँ से एक 100 का लेंथ का लाइन ले लूँगा, देन नीचे एक 25 का ले लेता हूँ, और बीच में 35 का ले लेता हूँ, और उसके नीचे 55 का लाइन ले लिया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन लूँगा 15 डिग्री एंगल में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, देन इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर इसको मैं रोटेट करूँगा कितना 15 डिग्री, और इसको मैं मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर टैब दबाया और यहाँ पे पॉइंट आया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देन इसको मैं मिरर करता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसको एक्सेस ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर लाइन बनाता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ लाइन, और यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ यहाँ तक, फिर मैं ट्रिम करता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, और मैं दूसरा लाइन बनाता हूँ क्रिएट, और यहाँ पर लाइन, यहाँ से मुझे लाइन लेना पड़ेगा मान लो ए एंगल, और इसको मैं मिरर करूँगा, और ये वाला मिड ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं दोबारा मिरर करूँगा, और मुझे कॉपी नहीं चाहिए इसका, और मैं एक्सेस ले लूँगा ये वाला लाइन को, और ये वाला लाइन मिरर हो गया है। अब मैं दूसरा लाइन लेता हूँ क्रिएट लाइन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ देता हूँ। अब बीच का जो लाइन है इसको मुझे नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करता हूँ, और ये वाला लाइन भी मुझे नहीं चाहिए इसको डिलीट करता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए एक हैच, तो मैं जाता हूँ क्रिएट, यहाँ पे जो फिल रीजन है, देन मैं यहाँ पे पिक करूँगा ए लाइन और ए लाइन, देन मैं जाता हूँ एडिट टाइप, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डुप्लीकेट। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फ्लो एरो, देन ओके करता हूँ, और यहाँ पे जो फिल पैटर्न है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं सॉलिड फिल, देन ओके, और देन ओके, देन मैं फिनिश करता हूँ। और मैं क्या करूँगा, ये जो फैमिली है इसको मैं सेव कर लूँगा, मैं जाता हूँ फाइल्स, देन सेव एज फैमिली, और मैं यहाँ पे देता हूँ फ्लो एरो, देन मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने इसको सेव तो कर लिया है, लेकिन मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर लोड नहीं करूँगा, तो मैं जाऊँगा सीधा प्रोजेक्ट में, और हमारा जो यहाँ पे एयर टर्मिनल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन करता हूँ एडिट फैमिली, और मैं जाता हूँ व्यूज, यहाँ पे फ्लोर प्लान्स, यहाँ पे रेफरेंस लेवल, यहाँ पे हमें वो एरो चाहिए। तो मैं जाता हूँ डिटेल के अंदर, और यही वाला डिटेल को हमें लोड करना पड़ेगा सप्लाई वाला एयर टर्मिनल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट, देन मैं क्लिक करता हूँ एम सप्लाई डिफ्यूजर, इसको देन ओके करता हूँ, देन यहाँ पे जो हमारा एरो है यहाँ पे आ गया है, इसको मैं हल्का फुल्का एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे मूव करता हूँ यहाँ पे इसको बैठा देता हूँ। और ये जो एयर टर्मिनल है ये सप्लाई वाला है, तो ये जो एयर फ्लो होगा ये मिरर होगा, तो इसको मैं स्पेस बार दबाता हूँ, ये घूम रहा है, तो ये अब परफेक्ट हो गया, मीन्स सप्लाई का जो डायरेक्शन है इस तरफ होना चाहिए। देन मैं स्किप दबाता हूँ, देन मैं इसको क्या करता हूँ, लोड इनटू प्रोजेक्ट, देन मैं क्लिक करता हूँ टावर एमईपी, देन ओके करता हूँ, देन ओवरराइड, ये वाला जो एरो यहाँ पे आ गया। अगर ये जो एरो को अगर थोड़ा बड़ा देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिटेल में जाऊँगा, यहाँ पे जो एरो हमने बनाया है इसको मैं थोड़ा स्केल में बढ़ा देता हूँ, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे स्केल अब डीएक्टिवेट है, तो मैं इसमें से फिल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल आइटम को अनचेक करता हूँ, देन ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्केल अब एक्टिव हो गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन ए वाला पॉइंट को लेता हूँ, देन यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, और मैं ए जो हैच है इसको सिलेक्ट करूँगा, और इसको मैं एडिट बाउंड्री करूँगा, और इसको मैं स्ट्रेच करूँगा कहाँ तक, यहाँ तक, और मैं इसको फिनिश करता हूँ, देन मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट, और मुझे लोड करना पड़ेगा सप्लाई वाला डिफ्यूजर में, तो इसको क्लिक करना है और इसको अनचेक करना है, देन ओके करना है,
और देन यहाँ पर करना है ओवरराइड, और हमारा जो एरो है थोड़ा बढ़ गया है, इसको मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। अब मैं स्किप दबाता हूँ एक बार, और इसको मैं करूँगा लोड इनटू प्रोजेक्ट। देन कहाँ पे लोड करना पड़ेगा, टावर एमईपी के अंदर। तो इसको मैं ओके करता हूँ, देन करता हूँ ओवरराइड। अब ये जो एरो है काफ़ी बढ़ गया है, आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो, लेकिन ये मुझे अभी सही लग रहा है। अभी जो सेम एरो मुझे कहाँ पे लोड करना पड़ेगा, रिटर्न के अंदर भी। तो इसके लिए ये वाला जो फैमिली है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको करता हूँ एडिट फैमिली, और मैं जाता हूँ डिटेल के अंदर, और इसको मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ। अभी कहाँ पे लोड करना पड़ेगा हमें, रिटर्न के अंदर। तो अभी टावर जो एमईपी इसको अनचेक करता हूँ, जो हमारा जो लेटेस्ट आरईजी टावर है इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आ गया है, अभी वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, फ्लोर प्लान, यहाँ पे रेफरेंस लेवल, और यहाँ पे वो एरो ले आना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, एनोटेशन के अंदर, और यहाँ पे मिलेगा वो डिटेल कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे वो एरो आ गया ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी ठीक लग रहा है। अब ये जो एरो है रिटर्न फ्लो के हिसाब से परफेक्ट हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, स्किप दबाता हूँ, देन इसको करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट। अब हमें कहाँ पे लोड करना पड़ेगा, टावर एमईपी के अंदर। तो इसको क्लिक करना है, देन ओके करना है, और इसको ओवरराइड करना है। और यहाँ पे देखो हमारा जो एरो है यहाँ पे आ गया है। अब ये जो रिटर्न फ्लो एरो का डायरेक्शन एफसीयू की तरफ है, ये परफेक्ट है, और ये जो सप्लाई का डायरेक्शन रूम की तरफ है, ये परफेक्ट है। अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको आपको थोड़ा बड़ा करना है, तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ डिटेल के अंदर, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मान लो इसको मैं मूव करके यहाँ पे रखता हूँ, और ये जो लाइन है अपने आप बढ़ गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एस दबाता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ। और मुझे कहाँ कहाँ लोड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर टावर में नहीं चाहिए, और मुझे इसको लोड करना है सप्लाई और रिटर्न में, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, देन ओके करता हूँ। देन मैं ओवरराइड करता हूँ, और एक ओवरराइड करता हूँ। तो दोनों जो फैमिली है इसके अंदर फ्लो का डिटेल अपडेट हो गया, और दोनों जो सप्लाई रिटर्न का एयर टर्मिनल है, दोनों को ही हमें प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। और ये जो एयर टर्मिनल है ये आरईजी वाला है, इसको मैं लोड इन टू प्रोजेक्ट करता हूँ। कहाँ पे, टावर एमईपी में, इसको क्लिक करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, देन ओके करता हूँ, देन ओवरराइड। यहाँ पे वो अपडेट हो गया है, ये थोड़ा काफ़ी बड़ा है ना, और ये थोड़ा काफ़ी छोटा है। तो सप्लाई को भी मुझे लोड करना पड़ेगा। तो सप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढता हूँ कहाँ पे ये वाला होगा सप्लाई। तो ये वाला सप्लाई डिफ्यूजर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ। कहाँ पे, टावर एमईपी में, देन ओके करता हूँ, देन ओवरराइड करता हूँ। यहाँ पे भी बढ़ गया। तो सप्लाई और रिटर्न दोनों में ही जो हमारा फ्लो एरो का डिटेल चेंज हो गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एयर टर्मिनल का टैग बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, उसको आप नया सा भी बना सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने डक टैग बनाया है इसको भी तोड़ फोड़ करके बना सकते हैं। लेकिन हम जो एयर टर्मिनल का टैग बनाएंगे उसके अंदर जितने पैरामीटर हम बनाएंगे वो डक टैग का कोई भी पैरामीटर के साथ मैच नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे नया से बनाना बेहतर है। तो मैं इसके लिए जाऊँगा फाइल्स, देन यहाँ पे करना है न्यू, और मुझे लेना है फैमिली, देन क्लिक करता हूँ एनोटेशंस, और मुझे कौन सा चीज़ का एनोटेशन करना है, एयर टर्मिनल का, और यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा एयर टर्मिनल का टैग वाला टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जेनेरिक एनोटेशन का जो टेम्पलेट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जेनेरिक एनोटेशन है इसको मुझे चेंज करके एयर टर्मिनल का टैग बनाना पड़ेगा। तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, फैमिली कैटेगरी, इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो जेनेरिक एनोटेशन अभी सिलेक्टेड है। अब इसको चेंज करके मुझे लेना पड़ेगा एयर टर्मिनल का टैग। तो यहाँ पे है ना एयर टर्मिनल का टैग, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देन ओके कर लेता हूँ। अब देखो ये जो टैग है एयर टर्मिनल का टैग हो गया है। अब ये जो सैम्पल वाला टेक्स्ट है इसको मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मुझे चाहिए यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे नया पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे लूँगा लेवल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा मार्क, देन इसको करता हूँ ऐड, देन ओके। ये हमारे पास मार्क आ गया ना, और इसको मैं थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लगभग यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो टेक्स्ट साइज 3 मिलीमीटर का है, तो मुझे इसको चेंज करके 2 मिलीमीटर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एडिट टाइप, और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, और इसको मैं चेंज करता हूँ, 2 को हटाता हूँ, इसको 3 को जगह 2 कर देता हूँ, देन ओके। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट साइज 2 करना पड़ेगा, और मुझे इसको एरियल को चेंज करके एरियल नैरो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर ऑफसेट है इसको मुझे 0.2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और बाकी तो हमने कर लिया है। और इसको मुझे बोल्ड करना पड़ेगा,
देन मैं करता हूँ ओके, और ये जो टेक्स्ट है बाकी जितना सारा हमने टेक्स्ट स्टाइल बनाया है उसके साथ मैच हो गया है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे और एक लाइन मान लो यहाँ पे सही है, इसको मैं थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके सेंटर के तरफ ले आ जाता हूँ, ये अब परफेक्ट है। इसको मुझे चेंज करके दूसरा पैरामीटर लेना पड़ेगा, और इसका जो पैरामीटर है अब इसको चेंज करता हूँ, जाता हूँ लेवल के अंदर एडिट में, और ये जो मार्क है इसको मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव करता हूँ, और मुझे लेना पड़ेगा टाइप नेम। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा टाइप नेम कहाँ पे होगा, यहाँ पे है टाइप नेम, इसको मैं ऐड करता हूँ, देन इसको ओके करता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, हल्का फुल्का नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं टाइप नेम को सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको कॉपी करता हूँ और एक नीचे रख देता हूँ, और इसके लिए एक नया पैरामीटर बनाता हूँ, जाता हूँ लेवल के अंदर एडिट में, यहाँ पे जो टाइप नेम है इसको मैं रिमूव करता हूँ, और मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा फ्लो वाला जो पैरामीटर, यहाँ पे ढूंढता हूँ फ्लो वाला कहीं है, और हमें मिल गया है फ्लो वाला पैरामीटर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको करता हूँ ऐड, देन मैं करता हूँ ओके। और मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक फ्रेम टाइप का, तो मैं जाता हूँ क्रिएट, यहाँ पे मुझे लाइन लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लो, और इसको मैं डी आई देता हूँ, यहाँ से ए वाला रेफरेंस प्लेन पकड़ लेता हूँ, देन ए वाला लाइन, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, तो दोनों साइड से इक्वल हो गया है। अब मैं जाता हूँ क्रिएट में और एक लाइन बनाता हूँ कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, और मैं देता हूँ डी आई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन करता हूँ इक्वल। अब ये जो तीन स्पेस है इक्वल हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, जो पैरामीटर्स है इसको मैं थोड़ा हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लिया, अब ये सही लग रहा है। अब इसको पकड़ के जितना से जितना हो सकता है स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यह परफेक्ट हो गया है। इसको भी थोड़ा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको एडजस्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं स्ट्रेच करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको एडजस्ट करता हूँ। अब ये जो टैग है मेरा फाइनल हो गया है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, देन जाता हूँ फाइल में, देन सेव, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ या टर्मिनल टैग, देन करता हूँ सेव, और ये जो फाइल हमारा सेव हो गया है इसको मैं करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट, और मैं लोड करूँगा कहाँ पे, टावर एमएपी में, देन ओके करता हूँ। तो हमारा ये जो टैग है प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो गया है, इसको मैं देखता हूँ, माउस को मूव करता हूँ यहाँ पे देखो टैग आ गया है ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है और 750 और 150 का REG का टैग है, और ये 300 का फ्लो है, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्लिक करके यहाँ पे जो फ्लो है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्लो देखो 300 का है, तो यहाँ पे 300 दिख रहा है, और यहाँ पे जो मार्क वैल्यू है 2 है, हमें इसको चेंज करके दूसरा कुछ देना पड़ेगा। तो मान लो इसका जो नेमिंग है मैं करता हूँ REG1, देन अप्लाई, यहाँ पे अपडेट हो गया है, और यहाँ पे जो 750-150 का REG है यहाँ पे आ रहा है ना, इसको मुझे REG नहीं चाहिए, इसको सिर्फ 750 और 150 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फैमिली इसको मैं एडिट टाइप करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टाइप नेम देखो 750-150 का है, इसको मैं रीनेम करता हूँ, और यहाँ से मैं हटाता हूँ REG को, देन ओके करता हूँ, और देन ओके करता हूँ। और मैं ये भी कर सकता हूँ, ये जो हमने REG1 का टैग दिया है इसमें हम बिल्डिंग का जो कोड है वो यूज कर सकते हैं, ये हमारा जो फ्लोर है L1 है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ ये कौन सा रूम में लगा हुआ है, B1 में, तो यहाँ पे दे दूँगा B1- देन क्लिक। तो ये वाला लीडर में हमें एरो चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं जाता हूँ एडिट टाइप, यहाँ पे जो हमारा लीडर है इसको मैं चेंज करता हूँ, एरो फिल 15 डिग्री, देन ओके, यहाँ पे एरो आ गया है, और इसको मैं करता हूँ अटैच एंड को चेंज करके फ्री एंड कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे बैठा देता हूँ, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। और मैं सेम टैग दूंगा सप्लाई के ग्रिल में भी, तो मैं क्या करूंगा CS दबाता हूं, और यहां पे भी टैग देता हूं, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं यहां पर, और इसको मैं करता हूं प्री एंड, यहां पे इसको मैं पॉइंट कर लेता हूं, इसको मैं यहां पे एडजस्ट कर दिया है, और इसका मैं डायमेंशन देना चाहता हूं कहां से, यहां से, ठीक है, मैं DI देता हूं, यहां से कितना दूर तक है 1 मीटर 87 मिलीमीटर, और मैं जाता हूँ रिटर्न में भी, यहाँ पे भी मेजर करूँगा, टैप दबाया, ए वाला एज को सिलेक्ट करता हूँ, ए वाला सेंटर, ये 900 है, तो मुझे इसको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 900 है और यहाँ पे कितना है 1 मीटर 87 है, और मुझे यहाँ पे भी 900 करना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ।
अब देखो यहाँ पे 900 है और यहाँ पे भी 900 है, और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रख दिया है, इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, और रिटर्न में भी मैं वही करता हूँ, यहाँ पे इसको ऊपर रखता हूँ और डिलीट को मैं थोड़ा मूव करके यहाँ पर रखता हूँ। अब ये जो लाइन है हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे भी लाइन बनाया था इसको भी डिलीट करता हूँ टैब दबा के। ये अब 900 का हो गया है और ये भी 900 का हो गया है, कहाँ से, वॉल से। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ तक, और देखो यहाँ पर स्नैप पॉइंट आया है ना, मीन्स ये जो दो टैग है अब अलाइन हो गया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी देखो 750x150 का, और यहाँ पे SAG आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट यहाँ पे एडिट टाइप, और इसको मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ से हम SAG को हटा देता हूँ, देन ओके। यहाँ से SAG गायब हो गया है, और इसका भी नेमिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सिर्फ मैं आर्क को चेंज करके एस कर दूँगा, देन क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका नाम है सप्लाई डिफ्यूजर है, और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसका नाम देखो RAG टावर है, सेम नेमिंग होना चाहिए। यहाँ पे जैसे RAG टावर है तो उसमें भी होना चाहिए SAG टावर है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो इसको सिलेक्ट करना है, और इसका नेमिंग चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे फैमिली के अंदर, यहाँ पे एनोटेशन के अंदर नहीं है, यहाँ पे एयर टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा। और हमारा जो टैग है ये वाला, इसको मैं प्लस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने जो बनाया है 750x150 का यहाँ पे रहेगा, लेकिन हमें 400x300 का हमें अभी तक यूज नहीं किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट हो गया। अब स्टैंडर्ड भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया है। अब रिटर्न का भी देखो, यहाँ पे भी सेम नेमिंग होना चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, और स्टैंडर्ड भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट। और देखो यहाँ पे RAG के अंदर 750x150 का है, और सप्लाई डिफ्यूजर के अंदर 750x150 का है, और इसका मैं नेम चेंज करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको राइट क्लिक, और इसका नेम है, इसको रीनेम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, इसको कंट्रोल भी दबाता हूँ, सिर्फ हमें चेंज करना पड़ेगा SAG और SAG टावर हो गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब दोनों का जो नेमिंग है अब परफेक्ट हो गया अपने हिसाब से। तो हमने एयर टर्मिनल का टैग बना दिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डॉट का फ्लो एरो का टैग बनाएंगे। तो टैग बनाने से पहले ये जो सपोर्ट है इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमने गलती से इसको जो डॉट मूव किया था उस टाइम ये मूव हो गया है, और ये जो लाइन है इसको भी नहीं चाहिए, इसको मैं टैब दबाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इतना तक हमने कर लिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट का फ्लो एरो का टैग। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा डिटेल है इसमें जाता हूँ, ये हमने बना लिया है, इसको मुझे क्या करना है, सेव एज कर लेना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, फिर इसको मैं सेव एज करूँगा फाइल में, यहाँ पे सेव एज, देन फैमिली। अब इसका नाम देता हूँ डक्ट फ्लो एरो है, देन मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन हमने बनाया था इसको हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरा लाइन, क्रिएट लाइन, और यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक, इसको मैं मिरर करता हूँ, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, और मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, और हमारा जो ए वाला लाइन है इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं मिरर करता हूँ, और मैं इसको ट्रिम करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक। अब मैं हैच को सिलेक्ट करता हूँ, देन करता हूँ एडिट बाउंड्री, और इसको मैं अलाइन करता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देन मैं पिक करता हूँ दूसरा लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन, इसको मैं ट्रिम करता हूँ, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे अनजॉइंट एलिमेंट, देन मैं यहाँ पे और एक लाइन बनाता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, और ये हमारा हैच अपडेट हो गया है। अब जो बीच का लाइन है इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, और मैं क्लिक करता हूँ डिलीट इनर सेगमेंट, और दोनों के बीच में एक क्लिक करता हूँ, देन मैं करता हूँ ट्रिम, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, ये मेरा बन गया। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देन मैं जाता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट, और कौन सा प्रोजेक्ट में इसको लोड करना है, टावर MEP में, देन ओके करता हूँ, देन मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं कॉपी करता हूँ, और मैं इसको बैठाता हूँ रिटर्न के ऊपर, और मैं यहाँ पे इसको स्पेस बार दबाता हूँ, और जो फ्लो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, यह परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो फ्लो है ईपीसीयू की तरफ है, और यहाँ पे जो फ्लो है रूम की तरफ है, तो ये जो सर्कुलेशन है
सप्लाई और रिटर्न का परफेक्ट हो गया है। चाहे तो जो इप्सू है इसका भी डायमेंशन देता हूँ DI, और यहाँ पे एक टैब दबाता हूँ ये वाला, और एक टैब और एक टैब, यहाँ पे सिलेक्ट हो गए ऑल का एज। देने में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चाहे तो जो पूरा डायमेंशन भी ले सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से भी एक टैब दबाता हूँ। देने में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक डायमेंशन दे दिया यहाँ तक, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, हल्का फुल्का मूव कर देता हूँ यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, बाकी सब मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कैसे डक्ट का टैग बनाते हैं, कैसे डक्ट फिटिंग का टैग बनाते हैं, कैसे एयर टर्मिनल का टैग बनाते हैं और कैसे इक्विपमेंट का टैग बनाते हैं। तो मैंने प्लान किया है, ये जो हमारा बेडरूम ऑन है इसका रिलेटेड जो है लॉबी है, देखो टॉयलेट है, इसमें भी हमें डक्ट कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लॉबी है इसके लिए हमें एक नया एफसीयू चाहिए, और ये जो टॉयलेट है इसके लिए हमें एग्जॉस्ट का डक्ट चाहिए, और यहाँ पे जो एफसीयू है और यहाँ पे एक एफसीयू होने वाला है, तो दोनों एफसीयू के लिए हमें फ्रेश एयर का डक्ट भी होना चाहिए। तो वो डक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कॉरिडोर से, और ये कनेक्ट होगा दोनों एफसीयू में। तो पहले हम इस पूरा रूम को कंप्लीट करेंगे, देन मैं इसको कॉपी करूँगा, बाकी जो हमारा रूम होगा यहाँ पे पूरा मैं कॉपी कर दूँगा। इसीलिए मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला रूम, इसका मैं मौका पहले बना लूँगा, देन मैं इसको कॉपी करूँगा बाकी जो टिपिकल रूम है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो एप्सू है इसका चिल वाटर कनेक्शन करूँगा, देन फायर प्रोटेक्शन का, देन इलेक्ट्रिकल का, बाकी सर्विस का, और हमारे यहाँ पे जो बहुत सारा टॉयलेट फिक्सर्स है इसके लिए हमें ड्रेनेज का कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर सप्लाई का कनेक्शन करना पड़ेगा, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। और मैं आपको धीरे धीरे समझाते रहूँगा एक एक सर्विस कैसे करना होता है, और जितना सारा प्रोग्रेस हम करते रहेंगे उसको हम नेविस में एक्सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेंगे कैसे इसको हम कोऑर्डिनेशन करते हैं सर्विस वाइज, और कहाँ पे कौन सा सर्विस रखना है वो भी करना है। और यहाँ पे हमारा जो लाइट्स होगा सीलिंग के ऊपर वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, और लाइट के लिए कितना जगह आपको सीलिंग के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा नेविस रिलेटेड, और जितना सारा सर्विस हमने बना लिया जैसे डक्टिंग हो, आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, और उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और नेविस के अंदर इसको लोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।